Dr. Shiv, and today's topic is very interesting. I am going to talk about the youth of our country. Especially, I am going to talk about the Indian youth today. So, जो मैं आज बात करने वाला हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को ये बुरी लगने वाली है, but किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा. तो पहले हम आज के सेशन का कंटेंट्स लेते हैं. पहले मैं बात करूँगा कि हमारे कंट्री में लगभग कितने परसेंटेज यूथ हैं और वो कितना हमारी कंट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो मैं बात करूँ अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में अप्रॉक्स 41% यूथ है जो 15 टू 20 एज के ग्रुप में आते हैं, जो मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन समझ लीजिए मोटा मोटा हिसाब की, वो यूथ है. और नए सर्वे से ये देखा जा रहा है कि 2020 आते आते तक इंडिया बिकम यंगेस्ट कंट्री, मतलब वो हम बाय एज हम सबसे यंगेस्ट कंट्री कहलाएंगे. और लगभग 600 मिलियन यंग पीपल 600 मिलियन 600 मिलियन पीपल्स जो यंग कैटेगरी में आ रहे हैं. तो मतलब मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कंट्री का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है वो यूथ के कारण ही होने वाला है, ये पूरा वर्ल्ड समझ रहा है. तो पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम खपत होने वाली चीज़ों की तो हम लोग करने वाले हैं. तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम कितने हैं. सो पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ आवर यूथ. हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मतलब हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, यूथ कहाँ गलत जा रहा है, क्या गलत कर रहा. और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि हम इन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम करके अपने कंट्री को बहुत ही अच्छे ऊपर लेवल में लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है जो काम करने वाली है, जो हमारी कंट्री को ऊपर लेके जा सकती है. तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो पार्ट फर्स्ट, नाउ डेज अ प्रॉब्लम ऑफ यूथ, दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड. क्यों कन्फ्यूज हो रही है पूरी यूथ हमारी? क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, सीनियर सिटीजन जितने भी हैं. और खुद यूथ इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुका है कि वो सीनियर्स की सुनना ही नहीं चाहता. पहला पॉइंट, तो जो कन्फ्यूज़न है वो सीनियर ही दूर कर सकते हैं. तो दूसरा पॉइंट क्या है जो जनरेट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ लैक ऑफ मॉरलिटी, मतलब हम मॉरली बहुत डाउन होते जा रहे हैं. हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब हम पढ़ा करते थे अपने समय में फिफ्थ स्टैंडर्ड तक, तो वहाँ पे एक मॉरल स्टडीज हुआ करती थी, जिसमें सब कुछ बताया जाता था कि आपको पेरेंट्स के साथ कैसे बातें करनी है, आपको बड़ों के साथ कैसी बात करनी है, आप छोटों के साथ कैसे व्यवहार करिए. तो ये चीज़ें आज मैं जो देख रहा हूँ तो ये एकदम से हटा ही दी गई. बच्चों को मॉरल स्टडीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा. और तीसरी चीज़ क्या है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट अवर कल्चर. मतलब जैसे हम अब इंडियन कल्चर कहूँ, मैं जैसे इंडियन कल्चर कहूँ, तो मुझे फर्स्ट अपने कल्चर पर प्राउड होना चाहिए कि मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ या कोई भी रिलीजन, बट अपने कल्चर को. तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम अपने कल्चर को जानते ही नहीं. हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने में लगे हैं, हम दुनिया भर की चीज़ें जान रहे हैं और खुद को भूल रहे हैं. और जबकि हमारा सबसे पुरातन धर्म है और बहुत ही साइंटिफिक है, पूरा वर्ल्ड आज हमारे धर्म को रिसर्च करके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम उन लोगों की रिसर्च पढ़ के फॉलो करके अपने धर्म को भूल रहे हैं और कन्फ्यूज हो रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है हमसे कि हम अपने कल्चर से शर्मा रहे हैं. कोई अगर टीका लगा लेता है आज की डेट में, सपोज कोई हिंदू अगर टीका लगा लेता है या कोई मुस्लिम टोपी पहन लेता है, तो लोग उसको ऐसे देखने लगते हैं कि एकदम से पता नहीं क्या हो गया, टीका लगा लिया तो मतलब, तो लोग शर्मा रहे हैं, अगरबत्ती लगाने में शर्माने लगे. तो इसमें कुछ गलत नहीं, आप अपना पूरा, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं चाइना में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ, ये लोग यहाँ पर अपने कल्चर में इतना ज़्यादा मतलब कस के पकड़े हुए हैं, और यही उनका रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि वो अदर कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो जो अपना है उसी में वर्क कर रहे हैं मैक्सिमम, इसलिए उनकी ग्रोथ हो रही है.
और हम लोग अपने कल्चर को भूल रहे हैं, इसलिए हम मतलब अपने पाथ से डिस्टर्ब हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, लाइक आप स्पिरिचुअलिटी, हिंदुज्म को तो स्पिरिचुअलिज्म के लिए जाना ही जाता है, और हमारा यूथ है जो ना मेडिटेशन के बारे में कोई नॉलेज है, ना कोई गीता के बारे में कोई जानने की कोशिश कर रहा, ना कुछ। हम स्पिरिचुअलिज्म से एकदम दूर जाते जा रहे हैं। तो जहाँ हमारा इनर ग्रोथ होना है, जो पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, हम उसे डिसफॉलो कर रहे हैं, हम उसे फॉलो ही नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर मॉडर्न। सिंपल सी बात। और चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो क्या है रीज़न? ये है, लोग समझ नहीं रहे हैं, बच्चे होते ही हैं, यूथ क्या है, बच्चे ही हैं। इधर 15 से 20 तक क्या है, लोग जो जैसा उनको इम्प्लांट करोगे उनके ब्रेन में बच्चों के, वो ऐसा सोचने लगेगा। तो पूरा वर्ल्ड लगा इंडिया के यूथ के पीछे। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना, मैक्सिमम कंजप्शन जो होगा, जो हो रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं लोग, कहाँ होगा? इंडिया में होगा। तो वो बहुत सस्ते मोबाइल प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत सारी सोशल मीडियाज में ये सोशल मीडिया साइट्स बन रही हैं, एप्स बन रहे हैं, जैसे टिकटॉक हो गया और वीगो हो गए, बहुत सारे ऐसे, फेसबुक, ट्विटर, अब जितना सब कुछ, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो सब चीज़ें। तो हो क्या रहा है कि हम जो रियल काम करने के लिए हमारी एज है 15 से 20, क्या होता है, खुद को बनाने की एक उम्र होती है। इस उम्र में हम टिकटॉक में वीडियो बना रहे हैं अनाप शनाप, और वो एक फालतू काम किया, वो फेमस हो गया, 10 लोग देखे उसको, 1000 लोग देखे, अरे यार ये बंदा फेमस हो रहा, मैं भी ऐसा करूंगा। तो टिकटॉक में वीडियो बनाने से क्या कंट्री का इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या? कभी इसको गहराई से सोचना। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ ऐसे, अनाप शनाप कुछ भी काम कर रहे हैं, और वो क्या रहा, सोशल मीडिया में उनको मतलब प्रमोट किया जा रहा अननेसेसरी। और जो अच्छे काम है, जैसे कोई लड़का कुछ अच्छा, कुछ मतलब कुछ प्रयोग करके कुछ भी बना रहा, सपोज कुछ अच्छा काम कर दिया, मान लो पानी से उसने कुछ ऐसा कुछ बना दिया कि लाइट कुछ ऐसी चलने लगी जो पुराने तरीके से अलग है, तो उसको सोशल मीडिया में लोग प्रमोट ही नहीं कर रहे। मतलब अच्छी चीजों को सोशल मीडिया में प्रमोट ही नहीं किया जा रहा, प्रमोट वो किया जा रहा है सोशल मीडिया में जो बेवकूफी है एकदम से। और हम बड़ा हंस रहे हैं उन चीजों में कि अरे अरे मेरा ऐसा दोस्त वैसा कर गया, मैं भी ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। आप खुद जानते हो, देखो सोशल मीडिया में क्या चलता रहता है दिन भर। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यही चीजें देख रहे हैं, उनको लग रहा है नहीं यही फ्यूचर है। और ये 41% पॉपुलेशन, मालूम हमारी आधी पॉपुलेशन, अप्रोक्स आधी पॉपुलेशन, अगर हम इनको प्रॉपर गाइड कर दें तो विद इन 10 ईयर में हमारी कंट्री टॉप लेवल में पहुंचने वाली है। लेकिन गलती क्या हो रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि इस बारे में बोलें। ये तो रही कुछ बड़ी बड़ी बातें जो मैंने बोली, कहाँ हम मिस गाइड हो रहे हैं, क्या हमारे अंदर कमी है, और कहाँ हम मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ हमें करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में हम गलत हो रहे हैं, इसलिए हम वो जो वर्ल्ड समझ रहा है कि इंडिया के पास मैक्सिमम यूथ है, वो आगे बहुत अच्छा करेगा, लेकिन जो यूथ है वो कहाँ लगा है, ये मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, आप भी जानते हो कहीं ना कहीं ये चीज़। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास छोटे भाई बहन, उनके यार दोस्त, उनको प्रॉपर गाइड करिए, इन सब चीज़ों से हटाइए। सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है वो समझाओ, आप इंटरनेट का यूज़ कैसे करना है उनको ये समझाओ। पेरेंट्स जो मोबाइल प्रोवाइड करा रहे हैं उनको गाइड करो कि बेटा हमने मोबाइल आपको इसलिए दिया है, आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई मना ही नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ घरों घर में बच्चे मोबाइल लेके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई डांटने वाला नहीं हो रहा, ठीक है, बिजी है, कर रहा है, टिकटॉक में फेमस हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और इनको आप समझो, क्योंकि पूरा वर्ल्ड लगा है इन्वेस्ट करने में, और पूरे ये जो सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें दौड़ रही हैं, उसका रीजन सिर्फ ये एक है कि वो उन साइट में पैसे दे रहे हैं, और पैसा तो बहुत प्यारी चीज़ होती है। सपोज एक टिकटॉक में वीडियो बनाया, लड़के ने फेमस हो गया, कंटेंट क्या था, बेवकूफ़ी, अब उसे बेवकूफ़ी के पैसे मिल रहे हैं सपोज, तो क्यों मेहनत करेगा वो? वैसी बेवकूफ़ी करके फेमस हो रहा, तो उस बच्चे को या उस कम्युनिटी को, उसके पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, क्या वो परमानेंट है, क्या उससे देश का इम्प्रूवमेंट होगा, क्या
क्या वो टिकटॉक वीडियो वाला ये लिखित दे रहा है आपको कि ये वो चलाते ही रहेगा ऐप लाइफ लॉन्ग, और आपका बच्चा उससे अर्न करता रहेगा? तो ये किसे समझना है? आपको समझना है। मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने देखा, तो मैं बोला, मैं गलत हो गया क्योंकि मैंने बोल दिया। अब आप लोग समझो। तो अब पार्ट टू में हम कैसे करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा यूथ थोड़ा अपने लेवल में आए और हम अपने देश को इम्प्रूव करने में थोड़ी सी पहल करें। तो इसमें मैं पहला पॉइंट ये लेना चाह रहा हूँ कि सीनियर शुड टेक दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली। जितने भी सीनियर्स हैं, एज कुछ भी हो मैटर नहीं करती, जो भी समझदार है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो आगे आके खड़ा होके बोले कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आपसे ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे नहीं करते हैं, ये टिकटॉक एप्लीकेशन इसलिए नहीं बना कि आप कुछ भी बकवास करो, कपड़े उतार दो, इसके लिए कोई सेंस नहीं। आपको फेमस होना है, आप अच्छे काम करके फेमस हो, वो देश के लिए इम्प्रूवमेंट होगा, वो आपके घर के लिए इम्प्रूवमेंट में काम आएगा। और ये जो बिना मेहनत के अनाप शनाप कामों से फेमस हो जाना, उससे कोई अच्छा नाम तो बनता नहीं है, बस एक माइंड में ऐसा लगता है मैं फेमस हो गया। तो सीनियर्स को इसके लिए उन्हें गाइड करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट मैं लेने वाला हूँ कि जो यूथ है उन्हें बहुत ही इंटेलिजेंटली समझना पड़ेगा कि हम अब इस उम्र में हैं, हमें किन लोगों को फॉलो करना चाहिए, हमें किन साइट को फॉलो करना चाहिए। 15 से 20 मैक्सिमम स्टडी वाली लाइंस होती हैं। आप जो भी काम करना चाह रहे हो, आप स्टडी में जाना चाहते हो, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, आप कहीं भी जाना चाहते हो, तो स्टडी से ही आपको नॉलेज आएगा। आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको स्टडी बहुत ही मस्ट है, इस बात को समझो। अगर आपको एक्टिंग ही पसंद है तो फिर आप उसी में डिवोट हो प्रॉपरली। फिर ये मत सोचो मैं टिकटॉक में सुपर स्टार बन के इंजीनियर बन जाऊंगा, या मैं वीगो में या दुनिया भर में फेसबुक में या यूट्यूब में कहीं ऐसा कर लूंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा, और फिर इसके बाद मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, यही कन्फ्यूजन है, इसे दूर करने की कोशिश करो। तो यूथ के लिए एक सजेशन देना चाहूंगा, थोड़ा फोकस्ड हो, बैठ के ठंडे दिमाग से सोचो कि मैं किस लायक बना हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और फिर उसमें लगो। तो यूथ को भी सीनियर का साथ देना चाहिए, सीनियर जो कह रहे हैं उन्हें मानना चाहिए। थर्ड पॉइंट में ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो यार फैलाने की कोशिश करना, हो सकता है लोगों को हेल्प हो, कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें स्कूलों में जो यूथ हैं उनका उनको मॉरल नॉलेज, उनको ऐसी स्टडीज के बारे में मतलब ज्ञान दो, ऐसी पॉलिसी मेंटेन करे गवर्नमेंट कि जो यूथ है जो इधर उधर डाइवर्ट हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और यूथ को स्टडी की ओर लगाने में सरकार को हेल्प करनी चाहिए अब इस मोमेंट से। क्योंकि 10 साल बाद ये जो यूथ है ना, वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी अगर उनको गाइड नहीं किया गया प्रॉपर। तो ये जो यूथ है आज 41%, आधा पॉपुलेशन, अगर इनको प्रॉपर शेप में ला दिया गया गाइडेंस करके, पॉलिसीज में अच्छी करके, इनको अच्छा सरकारी वो देके कि गरीब बच्चे भी पढ़ सके, अमीर बच्चे भी अच्छी जगह जा सके, सबको लेके अगर यूथ हम आगे बढ़ा दिए तो डेफिनेटली हमारी कंट्री बहुत आगे जाने वाली, ट्रस्ट में। तो गवर्नमेंट तक ये बात किसी न किसी तरह पहुंचनी चाहिए कि उनको स्टूडेंट को सेफ देने में पैसा अभी इन्वेस्ट करना है, कि हम सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए कि बच्चों को दुनिया भर के कचरे से, ये जो ऐप वैप हैं फालतू के, इनको बैन वैन कर देना चाहिए। सिर्फ ऐसी चीजें चलनी चाहिए जो सही है इस उम्र के लिए। मैं यहाँ जैसे चाइना में हूँ, तो चाइना में क्या होती है कि मैक्सिमम फालतू की साइट, यहाँ फेसबुक गूगल वूगल सब बैन है इस टाइप की चीजें। तो जो जरूरत है जनता को, जो इम्प्रूवमेंट होगी वो लोग चलाते हैं, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती ये चीजें? मतलब हमें सोशल मीडिया में थोड़ा कसाव लाना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप अपने आप काम में लग जाएं, उन्हें भटकने की जरूरत ना हो, बेरोजगारी और रोजगारी सब चली जाएंगी इन सब चीजों से। क्योंकि मैक्सिमम अब 40% लोग हैं, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया जाएगा तो बेरोजगारी होंगे। ऐसे टिकटॉक में वीडियो बनाने के बाद क्या होगा?
बेरोजगारी ही आएगी। टिकटॉक 4 साल 5 साल बंद हो गया तो जितने सुपरस्टार है कहाँ जाएंगे? अभी तो 8-10 हजार आ रहा है ना, अरे जो भी आ रहा है मतलब। सो पॉइंट नंबर 4 गाइज, एजुकेशन सिस्टम को इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है हमें, क्योंकि बिना ज्ञान के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आजकल जो सरकारी टीचर आते हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मॉरेलिटी, उसमें स्पिरिचुअलिटी, हमारे कल्चर के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में जोर देना चाहिए, बच्चों को इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने देखा क्या सिस्टम है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, कि ऐसे पूछते हैं टीचर, चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट चालू हो गया बोलना आंसर, इससे कुछ होने वाला है? रटाई जा रही चीज़ें, अननेसेसरी मार मार के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो 10-10 किलो लेके जाते हैं, 3-3 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर वो बैग लेके, अननेसेसरी। तो हमें एक्सीलेंस में ध्यान देना है, एजुकेशन सिस्टम को ये फोकस करना चाहिए कि बच्चों को रटाने की जगह समझाने में समय देना चाहिए। उनको ये मत कहना चाहिए बच्चों से कि बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोलो, क्या मतलब हुआ उसका? जब उसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहा, उसको समझ ही नहीं पा रहा और वो बड़बड़ कर रहा है, तो इससे क्या इस एजुकेशन से कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है? कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। मैंने 7वीं 8वीं तक अपने गांव लेवल में स्टडी की, मुझे मतलब इतना कुछ गेन नहीं किया मैंने। फिर जब मैं हायर स्टडीज़ के लिए बाहर मेरे पेरेंट्स ने भेजा, तब मैंने कहा अरे बाप रे मेरे से क्या गलती हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्यों रट रहा हूँ, क्या रट रहा हूँ, क्या हुआ जा रहा है, कुछ कोई सेंस नहीं उन चीज़ों का। तो हमें एक्सलेंस में, हमें साइंस की चीज़ों को समझाने में ज़्यादा समय देना चाहिए, ना कि लिखा के रटाने में। हमें साइंस की चीज़ों को रटाने से ज़्यादा प्रैक्टिकल में ध्यान देना चाहिए कि प्रैक्टिकली कैसे इम्प्रूव करें चीज, वो देश को आगे बढ़ाएगा। सो गाइज, ये रही गलतियाँ और कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। शॉर्ट सा थोड़ा सा दिया मैंने, पहल चालू की कि ऐसे करके हम अपनी कंट्री को ऊपर ले जा सकते हैं। और लास्ट में ये कह के ये वीडियो को एंड करना चाह रहा हूँ आज, कि सभी यूथ को इस बात को समझना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड हमारी यूथ के पीछे लगा है। तो हमारे सीनियर भी इस बात को समझें, हमारे यूथ भी इस बात को समझें कि हम ही वो लोग हैं जो चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए हैं। तो मैक्सिमम मोबाइल प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम नशे की चीज़ें हो गई, मैक्सिमम ड्रग्स हो गए, मैक्सिमम जितना भी हमारे यूथ को डाइवर्ट किया जा सकता है मैक्सिमम, वो हमारे देश में सस्ते रूप से प्रोवाइड करेगा पूरा वर्ल्ड। ध्यान देना इस चीज़ को, वो चाहे दारू से हो, कुछ भी हो, ऐसी बुरी चीज़ें। मोबाइल देखो, इतने अच्छे अच्छे मोबाइल 6-6, 7-7 हजार में आने लगे। और इंटरनेट वगैरह पहले कितना महंगा था, अब सस्ता हो रहा। वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं अब सब वो चीज़ें सस्ती कर रही हैं, जो कंपनीज हैं। तो ये बात बहुत गहराई समझना, ये एप्लीकेशंस वाले आपको पैसे क्यों दे रहे हैं? आपको भटकाया जा रहा हर सारी चीज़ों से। आप जिस उम्र में हो, यूथ हो, आपको क्या करना है इसमें फोकस करो। ये जो चारों तरफ से चीज़ें दे रही हैं वो कमा रहे हैं आपको, 10 हजार दे दिया ना, वो मिलियन और ट्रिलियन में कमा रहे हैं उन सब चीज़ों से, और फ्यूचर आपका डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसे बहुत ही अच्छे से समझो, ये एक क्लू दे रहा हूँ मैं कि ये जो छलाव पूरा वर्ल्ड आपको दे रहा है, हर चीज़ें सस्ती और ये ऐसा फेंक रहे हैं, ये एक नया ऐप आ गया इसमें आप ऐसे एक्टिंग करोगे तो ये हो जाएगा, एक नया ऐप ऐसा आ गया कि आप ऐसे हाथ हिलाओगे तो पैसा निकलेगा और ये वो फलाना ढिकाना बहुत सारी चीज़ें, तो ये क्लू बहुत अच्छे से समझना। सो गाइज, बस आज का मेरा मुद्दा यही था कहना कि प्लीज़ जितने भी यूथ हैं आप लोग समझें इन बातों को और अपने आप को मोटिवेटेड रखो। मेरे और जो कई सारे वीडियोज़ हैं, मैंने मोटिवेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, और जो भी वीडियोज़ हैं अच्छे काम में लगा हूँ तो प्रमोट करने में हेल्प करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।